वेलकम बैक टू नॉस्टैल्जिक स्टोरीज सीजन 4। मेरा नाम है सौमिल मॉडल और आप सुन रहे हो द एडवेंचर ऑफ द रेड सर्कल बाय सर आर्थर कॉनन डॉयल। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे शर्लक होम्स एंड डॉक्टर वॉटसन एक साथ काम करते हुए पता कर रहे थे कि ये प्रॉब्लम की जड़ कहां से शुरू हो सकती है। आज की कहानी यानी कि द एडवेंचर ऑफ द रेड सर्कल एपिसोड 3 ये स्टोरी को एक अलग ही लेवल में लेके जाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वक्त जाया किए। जैसे होम्स ने मिसेस वॉरन से ये कहकर रखा था कि आज वो आएंगे उनके लॉजर के साथ मिलने के लिए, इसलिए मैं और होम्स मिसेस वॉरन के घर तक पहुंचने के लिए निकल पड़े थे। ब्रिटिश म्यूजियम के सामने से चलते वक्त मैं आजू बाजू के घर देख रहा था कि अचानक से एक घर मुझे बहुत आकर्षित किया। वो घर लंबा है, लाल रंग का, उसका दरवाजा पत्थर से काम किया गया था। मैंने होम्स को दिखाया। होम्स ने कहा, अच्छा आई सी, इसका तो हुलिया हूबहू उस एडवर्टाइजमेंट के साथ मैच कर जाता है, लेकिन क्या करें, हम लोग के पास वक्त नहीं है। मिसेस वॉरन ने हमें बताया था कि अभी शायद से वो अपने रूम पे रहेगा, हमें पहले उसके लॉजर के साथ मिलना है एंड वी विल डील विद दिस केस लेटर। चलो। हम दोनों चलकर मिसेस वॉरन के घर के सामने तक पहुंचे। वहां पे एक नोटिस बोर्ड है घर रेंट के लिए। शर्लॉक ने कहा, यहीं पे चुपके बैठा, हम लोग को अपना काम जल्दी करना पड़ेगा। चलो। मिसेस वॉरन हमारे काम को अंजाम देने के लिए पहले से ही सब बंदोबस्त करके रेडी थी। उन्होंने हम लोगों को एक छोटे से रूम में बैठा दिया था जहां पे वो शख्स के घर के सामने ठीक दरवाजे के उल्टे साइड में ही एक, जिससे जैसे ही वो शख्स अपने दरवाजे से बाहर निकले तो शीशे से हम वो छोटे से कमरे में खुद ही उसका चेहरा देख। इसके बाद मिसेस वॉरन हम दोनों को चाय देकर इंतजार कर रही थी कि कब वो शख्स बाहर निकलकर अपने लिए खाना मंगवाए। जैसे ही डोरबेल बजा, मिसेस वॉरन जाकर उनके बाहर एक ट्रे के ऊपर खाना रखकर निकल आई। मैं और होम्स दोनों अपना सांस रोक कर इंतजार कर रहे थे कि कभी वहां से वो निकले और हम उसका चेहरा देख सकें। थोड़ी देर बीतते ही एक हाथ दरवाजे से अचानक निकल आए। वो हाथ काफी पतला था। वो ट्रे को अंदर लेके गया और बाहर खाली रख दिया, लेकिन एक सेकंड के लिए भी हमने एक चेहरा देख लिया था। शर्लॉक एक सेकंड के अंदर जितना हो सके उतना इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर लिया। उसके हाथों से उसके खाने के प्लेट के ऊपर रखे हुए हर एक निशान से, उसके चेहरे से, वो शख्स जैसे ही अपना दरवाजा बंद कर लिया, हमने ये समझ लिया था कि उसको शक हो चुका है। होम्स और मैं दोनों मिसेस वॉरन को फेयरवेल बताकर वहां से निकल गए। होम्स मुझे घर जाते हुए कहा, वॉटसन, मैंने इतना जरूर सोचा था कि वहां पे जो लॉजर है वो ही अकेला बदला है, लेकिन इतना नहीं मालूम रहेगा कि वहां पे कोई लड़की आके रहने लगी। वॉटसन, देयर इज समथिंग वेरी सिनिस्टर बिहाइंड दिस। नहीं, एक बात सोच के देखो, मुझे तो लगता है बहुत ही एक गंभीर केस की वजह से ही ये पति और पत्नी दोनों भागकर यहां आए हैं। जरूर दुश्मन इनके पीछे लगा है,
जिसकी वजह से उस दिन गलती से मिसेस वॉरेन के हस्बैंड को उन्होंने उठा लिए थे। ये कपल काफी दूर से यहाँ भाग कर आए हैं, जिसकी वजह से उसको अपने वाइफ को एक रेंट किए हुए कमरे में अलग से रखना पड़ रहा है और पति काम के मामले में बाहर रहता है। This seems to be very complicated now। हाँ, मेरे किए गए सारे कैलकुलेशन अभी मैच हो जा रहे हैं, यानी कि ये भी हो सकता है ना कि दोनों शायद से बात नहीं कर पा रहे एक दूसरे से, या फिर मिल नहीं पा रहे इन आने वाली समस्याओं की वजह से, जिसकी वजह से पति उन अखबारों के एडवर्टाइजमेंट से बातें करने की कोशिश कर रहा है कोर्ट में। शाम को फिर हम वापस से मिसेज वॉरेन के घर गए। जाते वक्त शर्लॉक ने मुझे ये बताया था कि जो घर यानी कि लाल रंग का घर चार माले का, वो सामने ही है। तो हम दोनों लिविंग रूम में जाकर वेट कर रहे थे अपने लाइट्स बंद कर। मिसेस वॉरेन और होम्स एक साथ बैठे थे। हम इंतजार कर रहे थे किसी एक चीज का जहां से हमें इशारा मिल सके। वो वक्त आ चुका था। होम्स अचानक से हमें कहा, ऊपर के खिड़की में लाइट आ रहा है, जो मैं बता रहा हूँ वो लिखते जाओ जल्द ही। वो देखो लाइट फ्लैश हो रहा है, मोर्स कोड ATTENTA। ये शब्द लगभग 3 बार फ्लैश हुआ, उसके बाद रुक गया। लाइट्स उसके भी बंद हो जाने के बाद मैं और होम्स सीधे होके बैठे। मैंने कहा, एटेंटा, इसका क्या मतलब होता है? होम्स ने कहा, अच्छा, अटेंटा अटेंटा अटेंटा, यानी कि वो औरत को कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। जरूर ये कोई कोड वर्ड पे हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये वर्ड इटालियन है। सावधान सावधान सावधान, औरत को होशियार किया गया है। लॉजर मस्ट बी समवेयर एल्स राइट नाउ। वॉटसन, ये केस मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा पेचीदा आ रहा है। लेकिन होम्स के बात खत्म होने के पहले ही वहां से वापस लाइट्स आने लग गए थे। होम्स अचानक से उसके तरफ देखा और कहने लगा, पेरिकोला पेरिकोला पेरिकोला, वॉटसन जल्दी से खिड़की से बाहर हट जा। होम्स मुझे पकड़कर जैसे ही वो खिड़की से बाजू हटा, उसने मुझे ये कहा, वॉटसन कुछ तो बहुत ही भयंकर हो गया है, हमें अभी स्कॉटलैंड यार्ड में दौड़कर जाना पड़ेगा, अभी के अभी, चलो। होम्स और मैं मिसेस वॉरेन के घर से तब भी निकल गए। जाते वक्त मैंने देखा कि मिसेस वॉरेन के ऊपर के खिड़की से एक लड़की का चेहरा हमारी तरफ देख रही है। हम दोनों भाग कर जैसे ही दूसरे पार पहुंचे, एक शख्स हमारे सामने आ जाता है। वो हमें बताता है कि, अरे मिस्टर होम्स, तो आप यहाँ कैसे? अरे ग्रिटसन, नहीं, सामने के रूम से मुझे एक संकेत मिला लाइट्स में। ग्रिटसन ने अचानक ऊपर से देखकर बोला, हाँ, खबर तो पक्की लगती है मिस्टर होम्स, मोर्स कोड, हमें अभी वहां जाना चाहिए। वो जैसे ही आगे जाकर अपने कैरेज पे एक छोटा सा अलर्ट बजा दिया, वैसे ही कुछ शख्स उस कैरेज से निकल आकर सामने आए। उसने हमें ये बताया, ऊपर जो शख्स देख रहे हो ना साहब, वेस्ट पे जॉर्जियानो, 50 किल्स टोटल में। इसको ढूंढते ढूंढते मैं न्यूयॉर्क से ब्रिटिश आ गया। नहीं, सच में कहूँ तो मुझे इस मोर्स कोड के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। आपने बताया तब जाके मुझे ये आइडिया आया कि शायद से इसके वजह से ही हम बाकियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं।
हमें अब भी उसे पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले जब 3 जन भागने की कोशिश किए थे तो हमने पकड़ा और देखा कि वो बंदे हैं ही नहीं। तो चलिए हमें अभी पकड़ना चाहिए। जब हम सबको ये पता चला कि सिग्नल में इंटरप्शन आ चुकी थी तो होम्स ने हम सबको ये बताया कि हमें अभी ऊपर जाना चाहिए। जॉर्जियानो भागने से पहले उसे पकड़ना काफी जरूरी है। यही सोचकर मैं और बाकी के टीम मेंबर्स तीसरे फ्लोर तक पहुंचे। दरवाजा खुला था। अंदर आते ही हमने देखा कि सारे लाइट्स तो बंद है। बाथरूम मेरी रूह अंदर से कांप गई। हमने देखा कि एक आदमी वहां पे नीचे फ्लोर पे गिरा है। पूरा फ्लोर खून से भर चुका है। God, please not today. हमारे आने के पहले ही किसी ने इसे मार दिया, या फिर इसने खुद भी सुसाइड कर लिया, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। Please not today. Please not today. तो दोस्तों, इतने देर तक आप सुन रहे थे नॉस्टैल्जिक स्टोरीज में द एडवेंचर ऑफ द रेड सर्कल। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप नए व्यूअर हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द ही लेकर आने वाला हूँ नॉस्टैल्जिक स्टोरीज द एडवेंचर ऑफ द रेड सर्कल एपिसोड 4। तो तब तक स्टे ट्यून्ड।